The Daily Show with Muneer Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में जो अंदरूनी सियासत है, डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है, उसमें तो एक तरीके से जमूतारी नजर आता है। कौन जीतेगा, आसाब की जंग पे किसकी बरतरी होगी, ये कहना इस वक्त कबल वक्त होगा। लेकिन जहां इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में ये कहा जा सकता है खुद को रिवैम्प कर रहा है, एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, एक तरीके से बैलेंस आउट कर रहा है, तो वहां पर यह कहना जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान की सरहदी हदूद के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स इस वक्त काफी ज्यादा इंगेज नजर आती हैं और इसका इशारा कल भी हमें देखने में मिला। जहां पे बात की जाए अफगानिस्तान की, तो वहां पे जो मामलात हैं वो हर गुजरते रोज के साथ एक नई स्टोरी डेवलप होती नजर आती है। हर गुजरते रोज के साथ वहां पर बहुत कुछ है जो नया निकल के सामने आ रहा है। इसके असरात पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे और पाकिस्तान के चीन और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर तो यकीन तौर पर पड़ेंगे। दूसरी जाने पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ जो मामला है वो भी कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आता। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के वज़ीर दाखला जनाब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी सारे मामलात को उजागर किया और जो जून 2021 यानी कि गुज़िश्ता साल 2021 जून में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जौहर टाउन में, जिसमें उस वक्त उनके घर के बाहर ये धमाका हुआ जिसमें कमोबेश 3 लोग जख्मी और 24 से 26 लोग 3 लोग शहीद और 24 से 26 लोग जख्मी हुए, इस तमाम तर कार्रवाई में उसके ऊपर बात की। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राणा सनाउल्लाह साहब जो कि वजीर दाखला, उनके साथ जो साहब मौजूद थे वो थे जनरल इमरान महमूद साहब जो कि CTD पंजाब के एडिशनल IG हैं, और जो इल्जाम लगाए, जो चीजें वहां पर साबित की गई वो भी काफी ज्यादा संगीन है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे, जिस तरीके से हिंदुस्तान काम कर रहा है, किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज में इंडिया की एजेंसी के जो लोग हैं वो शामिल रहे, और क्या कुछ इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान सामने आया, ये तमाम तर बातें कल राणा सनाउल्लाह साहब ने और जनरल इमरान महमूद साहब ने अवाम के सामने पेश की। इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक स्लॉट है ये आपको सुनाते हैं। आम शहरी से लेके हमारी मसल्ला अफवाज, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारी एजेंसीज, यानी हर मकतब फिक्र ने, हमारे सहाफ़ी, सियासतदान, कोई तबका ऐसा नहीं है कि जिसने जो है वो इसमें कुर्बानी पेश ना की हो या इसका शिकार ना हुआ। दोनों तरफ से हमारी मसाजिद को निशाना बनाया गया, इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, गैदरिंग्स को निशाना बनाया गया। और आज जिस हवाले से हम आपके सामने पेश हुए हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी सूरत हो जो है वो आगे उसकी कार्रवाइयाँ जो है वो जा चुकी है, इस हवाले से वो सिर्फ अपने जुल्म को छुपाने के लिए, कश्मीर में बदतरीन जुल्म इस सदी का, इस दौरे हाजर का, पिछले 70 साल से कश्मीर हिंदुस्तान के ऐसे जुल्म का शिकार है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और बदकिस्मती हमारी देखें कि उस जुल्म को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो नित नए जो है वो बहाने तराश के इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो अपने हक में करते हैं, और उसके बाद जो है वो हर किस्म की दहशतगर्दी को जो है वो प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। कुलभूषण का जो मामला है वो इसका एक मुंह बोलता सबूत है, यानी एक ऐसा सबूत है कि जिसमें किसी दलील और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। वो कुलभूषण का गिरफ्तार होना और उसका अपना बयान जो है वही इस बात के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कारफरमा है।
तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, इसमें राणा सनाउल्ला साहब और जनरल इमरान महमूद साहब ने जो कुछ बातें की, सीटीटी पंजाब है और यकीन तौर पे ये काफी सारे सवाल खड़े कर रही हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जहां पे पाकिस्तान में मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से काफी सारे सवाल उठा रहा है, तो वहीं पर ये बात भी कही जा रही है कि जो कुछ कार्रवाई की गई, जो कुछ इस कार्रवाई में चीजें सामने आई, तो क्या पाकिस्तान इसको इंटरनेशनली किसी फोरम पर उठाने जा रहा है? इंटरनेशनली हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट रही है उसके बारे में पाकिस्तान क्या करने जाएगा? इसी हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब मामूर मुस्तफा साहब। जरा इनसे जानते हैं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दरअसल उसकी क्या अहमियत थी और क्या कुछ बेहतर तरीके से इसमें किया जा सकता था? मामूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मामूर साहब, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यकीनी तौर पे एक इस एतबार से थोड़ी सी एक अपनी नौयत की एक अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि काफी देर बाद एक एग्रेसिव स्टांस देखा जा रहा है हुकूमत की जानिब से। जी अपेरेंटली मेरा ओपिनियन थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ होगा, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो, क्योंकि ये वाकया तो पुराना है जिसका जिसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जून 2021। जी बिल्कुल, तो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो आपकी इंटेल एजेंसीज गैदर कर लेती हैं विद इन 30 डेज। तो अगर आपने नोट फरमाया हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको खाली पावर पॉइंट स्लाइड्स पे एक स्टोरी लाइन दी गई थी कि ये इस पर जानने वाला था, हमने इसने इसको पकड़ा, उसके थ्रू हमने इसको पकड़ा, उसने इसको ये लाते, देर वॉज नो एविडेंस, देर वॉज नो प्रूफ। You know, I for one as a layman, I saw no proof. Just a story. They've linked the story somehow, but on what grounds I do not know. Even as a Pakistani, I'm saying this. मुझे नहीं समझ आई कि वो किस, लेकिन मामू साहब वो स्टोरी यकीनी तौर पे जो क्रिएट की या जो ब्रीफ की गई उसके ऊपर तो मैं आता हूं, लेकिन इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या पेश आई, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि 2021 का इशू था और इसको या तो पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट के फोरम पर उठाया जाता ताकि इंटरनेशनली एक बड़ी हेडलाइन क्रिएट होती, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अभी तक पार्लियामेंट में इस चीज को नहीं डिस्कस किया गया, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? जी अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा यू नो यू टेक वन स्टेप बैक और इसकी टाइमिंग देख लें, जिसकी आप तरफ इशारा करें कि वाई नाउ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन इसमें शेयर की गई है वो तो 30 दिन बाद भी शेयर की जा सकती थी जब यह वाकया हुआ था, लेकिन आज इस वक्त आके ये शेयर करना, आप देखें आपके मुल्क में हो क्या रहा है, आपके मुल्क में लॉट ऑफ हीट अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, और अभी चेंज ऑफ कमांड हुआ है, लेकिन जैसी चेंज ऑफ कमांड हुआ है जो आउटगोइंग जनरल था उसके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो उसके ऊपर जो उनके स्कैंडल्स हैं, जो फाइनेंशियल, फिर इमरान खान ने मुल्क में वो असेंबली रिजॉल्व करने वाला वो एक सीन किया हुआ है, फिर उसके बाद आपके कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि ये केसेस में आप रोज बरोज देख रहे हैं, लोगों को बरी किया जा रहा है, नवाज शरीफ एंड फैमिली, और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट। अब ये दिस इज प्रॉब्ली यू नो जनरेटिंग अ लॉट ऑफ हीट विद इन द जनरल पब्लिक, तो इस तरह की न्यूज को पब्लिक में लेके आना ऐसे मौकों पर ये इंफॉर्मेशन डिकॉय होता है। तो अब एज अ लेमैन, एज एन ऑब्जर्वर ऑफ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आई वुड से कि ये न्यूज की कोई उस तरह वैल्यू नहीं है। इसको मैं आपको दो रीजंस और देता हूं। इस न्यूज की इसलिए वैल्यू नहीं है कि आपने ये जिस मर्जी फोरम पे आपके चार्जेस नए नहीं हैं, वाकया नया नहीं है, आपने कोई एविडेंसेज नहीं दिए हैं, आपने खाली वारंट्स जारी कर दिए हैं और आप कह रहे हैं कि हम इसको यूएन में भी लेके जाएंगे, हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जाएंगे। अच्छा, आप जहां मर्जी एस्केलेट कर दें, असल में मसला यह है कि अब अगर इसी से लिंक्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी हुई है थोड़ी देर पहले जी। आपकी जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स है वो खर हिना खर जी, और हालांकि वो उनका जुमरा ये नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी 90% प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वाक्य से रिलेटेड की है। दिस शोज के मतलब जॉब किसी और की, उस पर एक्सपैंड कोई और कर रहा है, मतलब अजीब इस मुल्क में खिचड़ी। इज इट लाइक के कौन ज्यादा इस वक्त इस वाके को लेकर लाइमलाइट बटोर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी? जी ये भी है, क्योंकि देखे ना अभी हिना के ऊपर भी प्रेशर आया था, उस दिन असेंबली में खड़े होकर किसी ने कह दिया था कि जी ये औरत थी, ये क्यों गई है उधर, हालांकि ये बड़ी अजीब गैर मुनासिब बात थी कि अफगानिस्तान गई है, उन्होंने मीटिंग्स की है, ये गैर मुनासिब। उसके बाद वो एक हीट आई है, तो अब हिना को भी लाइमलाइट लेने के लिए
क्योंकि एक मकाम पे आके फॉरन ऑफिस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जब आप कहते हैं ना हम बाहर इंडियन फोरम्स पे इनको उठाएंगे जी, तो या डॉसियस प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ फॉरन ऑफिस का आता है, बट उसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट होता कि यहाँ आपका मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई बैठे होते, वो बताते या आपकी। बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की आप बात करें, मेरे ख्याल से मोहित यूसुफ साहब ने जब ये इंसिडेंट हुआ तो 2021 में इसके हवाले से बात की थी, इनफैक्ट लेटर 2022 के इब्तिदा में इस हवाले से इसी तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी मतलब मोहित वाज राइट, ही वाज प्रीटी मच ऑन द मार्क, क्योंकि अभी क्योंकि ये बहुत ग्रे एरियाज में होते हैं, अब ऐसे वाक्यों को ये कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे आज इन्होंने किया है, निकाल के कोल्ड स्टोरेज से इसको डाल दिया पब्लिक को। अब देखिए ना ये खबर और ये इसके इससे रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से आज तक आपके पूरे मीडिया प्रेस की और हर जगह की जीनत बनी हुई है जी, और बाकी तमाम न्यूज तमाम चीजें उसके स्क्रीन से हट गई है, बैकग्राउंड में जा चुकी है जी, बैकग्राउंड में जा चुकी हैं, तो ये बेसिकली इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन डिकॉय, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और सेकंडली इसलिए भी वैल्यू नहीं है, ये लेके चले भी जाते हैं, इंडिया इकोनॉमिकली इतना पावरफुल है और उसके बाहर की दुनिया के साथ। मामू साहब मैं इंटरनेशनली में आता हूं, मुझे ये बताएं कि क्या ये बेहतर ना होता कि जब हुकूमत को किसी किस्म का टफ टाइम होता है, हुकूमत अपने आप को मुश्किल में महसूस करती है, तो हुकूमत पार्लियामेंट का रुख करती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हुकूमत बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसको पार्लियामेंट के फोरम पे उठाया जाता ताकि ऑलरेडी इंटरनेशनली एक बड़ी हेडलाइन क्रिएट करता। जी असल में मतलब एक बात वही घूम फिर के आती है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नीयत से कर रहे हो कि इस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन डिकॉय इस्तेमाल करना है, तो आपको भी पता होता है कि इसको पार्लियामेंट में ना लेके जाया जाए तो मुनासिब है, क्योंकि जिस वक्त आप ये इस तरह की कार्रवाई पार्लियामेंट में ले जाते हैं तो वो पब्लिक के स्टेट के रिकॉर्ड पे आ जाता है, और उसके बाद देन यू हैव नो चॉइस बट टू मूव एंड कम अप विद सम काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन कि जी अब हमने इसका ये करना है, और उस करने का जो रेजोल्यूशन होता है उसके मुताबिक फिर आपको एक्ट करना पड़ता है। ये जो उन्होंने किया है ये बिल्कुल उस तरह किया जैसे राणा सनाउल्ला पे मुझे याद है पीटीआई ने वो झूठा केस नारकोटिक्स कर दिया था एक मेजर जनरल के साथ बैठा के, ठीक है ना जी, ये बिल्कुल वो अली कार्रवाई इन्होंने की है, और इस कार्रवाई का मकसद किसी और इंफॉर्मेशन से आपकी तवज्जो हटाना है, इसमें डोंट रीड टू मच इनटू इट। अच्छा दूसरा ये था जी, दूसरा ये था कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि जिन साहब के घर ये अटैक हुआ था तो वो उनसे भी कुछ प्रेशर था आपकी एजेंसीज पे और आपकी स्टेट पे कि जनाब आप इसका पता करें, इसके कुछ सुराग लगाए, तो उनको क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा बेस अफगानिस्तान में चलता है, वो उनके बहुत सारे लोग हैं, तो वो सिंस पाकिस्तान इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अफगानिस्तान दीस डेज, तो शायद उनको प्लिकेट करने के लिए भी ये एक चीज काम फायदेमंद ये हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताया ना कि इस वक्त इस सिचुएशन में क्या बेहतर ऑप्शंस नहीं थे पाकिस्तान के पास, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस वक्त एक तरीके से इग्नोर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इस हवाले से बात हो रही है, लेकिन सिर्फ बात हो जाना तो काफी नहीं होगा, और जब हम बात करते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के दीगर एरियाज में, तो वहां और बेहतर शवाहिद प्रेजेंट किए जा सकते थे ताकि ये जो मुकदमा इस वक्त हम बिल्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए, लोकल मीडिया के लिए, वो शायद और स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ हासिल कर सकता और ज्यादा मजबूत हो सकता। जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हो, लेकिन इशू ये है कि कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, इसको इस तरीके से करना ही इन लोगों के लिए मकसूद था, बिकॉज इशू को सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन आपकी जो लोकल है नेशनल लेवल पर, ये ज्यादा आप लोगों के लिए है, ये इंटरनेशनल फोरम्स के लिए नहीं, इनको पता है कि इस वक्त गवर्नमेंट को आपको पता है ना भूखे इंटरलिंक है ना, आपने कहा चेन ऑफ कमांड चेंज इसमें तब्दीली हुई है, हमने देखा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने भी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करते हुए इंडिया को एक बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया, उन्होंने भी इसी बात की तरफ इशारा किया, आज राणा सनाउल्ला साहब की जानिब से बात की जा रही है, और आमतौर पर तासुर शायद ये है कि मुस्लिम लीग नून का एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के साथ रिलेशनशिप के ऊपर, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ मामला बहाल हो, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस राणा सनाउल्ला साहब की जानिब से आना थोड़ी सी हैरानकुन तो होगी। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा जी, क्योंकि दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं आपको अगर एक थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, ड्यूरिंग इमरान खान का जब टेन्योर था जी, तो उसके अंदर जब आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था और ये कोविड का ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया था और आप योर इकॉनमी हैड टैंक,
तो उस वक्त आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है जनरल बाजवा की तरफ से भी आपको याद है कि अब हम वो एक बड़ा बयान आया था कि जी अब हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ फोकस करेंगे, सिक्योरिटी पे कम और जियो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा, पॉलिटिक्स पे कम। तो उसका मकसद ये था कि उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड राउट खोल देते हैं। और आपको याद हो इमरान खान ने अग्री कर लिया था जब वो मियां अजहर का बेटा, क्या नाम है उसका, व्हाट्स नेम, वो जो मिनिस्टर था कॉमर्स और ट्रेड, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी और उसने कुछ इंपोर्ट करने का अंदिया भी दे दिया था, गंदम या पता नहीं चीनी या वगैरह, उन दोनों जो भी कहा, और इमरान खान उस पर बैक ट्रैक कर गया था। आपको याद है वो? बिल्कुल याद है। वो इमरान खान इसलिए बैक ट्रैक कर गया था बिकॉज इमरान खान को जब वो अपनी कैबिनेट से पहले उसने मीटिंग की, उसने इसको अजहर के बेटे को बोला कि यार ये कर देते हैं ओके, उसको ओके करके जब कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो वहां कैबिनेट में लोगों ने उठ के उसी के अपने पार्टी के लोगों ने आके कहा कि जी हम तो इंडिया के साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये कश्मीर के साथ ये हुआ है वो हुआ है, तो वहां पे वो घबरा गया, उसने कहा ये तो अंदर से ऑपोजिशन आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करनी है, आपको लोग वोट नहीं देंगे, तो फिर इमरान खान बैक ट्रैक और उसने बिल्कुल डिनाई किया कि मैंने तो, हालांकि अप्रूवल इमरान खान ने दिया था। ठीक हो गया, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं और थोड़ा सा अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मामू साहब मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा हो रहा था इस वक्त पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात, इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामला एक तरीके से जमूत का शिकार है, तो दूसरी जानब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो सरहदी मामला हैं, जो सरहद के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज हैं, वो किसी तौर पर अपने उरूज पर नजर आती हैं। पाकिस्तान ने काफी ज्यादा एफर्ट्स के साथ अफगानिस्तान के जो मैटर्स थे उनमें इंटरवीन किया, उनको रिजॉल्व करने में अपना किरदार अदा किया, और ये हुआ कि अफगानिस्तान में जो बात कही जा रही थी तब्दीली की, वो तब्दीली भी आई। लेकिन आज अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि अफगानिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिविटीज का मरकज बन चुका है। वो एक्टिविटीज किसी भी तौर पर तामीरी नहीं बल्कि तकरीबी हैं। अफगानिस्तान में होने वाले रिसेंट बॉम्बिंग और जो पाकिस्तान में जो फायरिंग के इंसिडेंट हुए चमन बॉर्डर के, इससे क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आएगी और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लिहाज से इस मामले को लेके कितना ज्यादा संजीदगी से सोच रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। मामू साहब, ये जो अफगानिस्तान वाला इंसिडेंट हुआ, पहले हमने देखा कि पाकिस्तान पर अटैक होता है और चमन बॉर्डर एक्टिवेट होता है और वहां से अफगानिस्तान के हदूद से पाकिस्तान में फायरिंग होती है, हमें बड़ा लॉस होता है, हमारे बहुत से जवान शहीद होते हैं, और उसके बाद अफगानिस्तान में जो बॉम्बिंग के जो मामलात हैं वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं। इज इट अलार्मिंग राइट नाउ फॉर अफगानिस्तान एंड फॉर द नेबरिंग कंट्रीज? जी, अफगानिस्तान एक क्वॉगमायर है और आई मीन इट्स अ डिलेमा हाउ टू डील विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अपने लिए भी खतरा है, अपने अपने आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। हेलो, और आई गेस मामूर साहब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, हम कोशिश करते हैं कि मामूर साहब को रिकनेक्ट कर जा सके क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन है। जी मामूर साहब, आप हमें सुन सकते? जी मैं आपको, जी प्लीज कंटिन्यू। जी मैं कह रहा था कि अफगानिस्तान एक ऐसा डिलेमा है जी कि उसका अब इसके जितने नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज, उनके लिए तो ये एक सरदे दर बिल्कुल बना हुआ है और बड़े अरसे से, बड़े सालों से बना हुआ है, और अब उसके जो वो उसको क्लाइमेक्स आ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता पीक करते देख रहे हैं। दूसरा इसमें ये है कि अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो अपने ही लोगों के भी खिलाफ है और वो अपने लिए भी उतना ही बड़ा मसला है जितना कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए। सो अफगानिस्तान इज वन प्रॉब्लम दैट वी ऑल मस्ट गेट टुगेदर एंड रिजॉल्व समहाउ।
बट कैसे होगा रिजॉल्व, क्योंकि एक रेजोल्यूशन जो हम सालों से देख रहे थे कि डायलॉग से मामला हल हो जाएंगे, अफगानिस्तान में जब उनकी अपनी हुकूमत होगी तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आज वो सब होने के बावजूद मामला हल हो नहीं रहे नवाब साहब जी। ये अगर आपको याद हो कि कुछ अरसा पहले हमने इसी टॉपिक पे एक और प्रोग्राम में आप ही के मैंने कहा था कि ये तालिबान है, जब ये नई नई गवर्नमेंट टेक ओवर इन्होंने की थी, आपने कहा था तालिबान 2.0 है, मैंने कहा ये तालिबान 2.0 है, आप ये पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ा ब्लंडर था कि इन्होंने उनको बैक किया और ये इस उम्मीद पे कि वो उनकी हर बात उसी तरह मानेंगे जिस तरह 10-15 साल पहले इनकी पैदाइश के वक्त ये माना करते थे। अब चक्कर ये है कि देव कम इन टू पावर, इनके बहुत स्ट्रेंज किस्म के और बड़े ही रिजिड किस्म के बिलीफ्स हैं रिलीजन के मामले में, ये खास तरीके से अपने मुल्क को रन करना चाहते हैं, इनके खास कल्चर में एक मेहमान नवाजी का वो है, उस मेहमान नवाजी के साथ हुआ ये है कि इन्होंने अफगानिस्तान हैज बिकम अ हब ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज और वहां टेररिस्ट ग्रुप्स बैठ गए। बट ये कोई नई बात नहीं ना मामू साहब, ये तो पहले भी हब ही रहा, वहां पे सारी टेररिज्म एक्टिविटीज होती रही, कभी वहां पे इंडियन एजेंसीज थी, कभी वहां पे इंडिया की एम्बेसीज थी जो इस तमाम तरह चीजों को फंड करती रही, हमें उम्मीद थी कि शायद इसके बाद ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, आज भी सूरत हाल तो बेहतर ना हुई जी। वो इसलिए बेहतर नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स के बहुत सारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, स्टेक्स पे हैं, अपने अपने स्टेक्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपकी रिसेंटली पाकिस्तान की ये हिना खार गई हैं और उन्होंने जाके मीटिंग की है कुछ घंटों की अफगानिस्तान में, वापस आई है तो फॉरन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी बायोलैट्रल इशूज से बात हुई, कुछ सिक्योरिटी के, कुछ एजुकेशन के, कुछ हेल्थ के, कुछ ह्यूमन राइट्स के और कुछ बायलैटरल ट्रेड के और ट्रक ट्रांजिट के जो राउट्स हैं। अच्छा, अब इशू ये है कि आपकी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, वी सीम टू हैव वी हैव एक्चुअली लॉस्ट द प्लॉट मेनी इयर्स अगो। व्हेन वी लॉस्ट द प्लॉट, वी लॉस्ट द प्लॉट अबाउट आई वुड से जी कम अज कम 8-9 साल पहले वी हैव टोटली लॉस्ट द प्लॉट और हम बिल्कुल ये गलत जुमरे में उसको लेके जा रहे हैं और उसका जिम्मेदारी में जिम्मेदार में समझता हूँ क्योंकि आपका जो फॉरेन ऑफिस है वो फॉरेन पॉलिसी डिवाइज नहीं करता ना उसको रन करता है, दे आर जस्ट देयर टू एग्जीक्यूट एंड गो थ्रू द मोशंस। आई हैव नेवर सीन अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पिछले 40 साल उठा के देख लें कि जिसने खुद कुछ पॉलिसी बनाई हो, क्योंकि ये फॉरेन ऑफिस का फॉरेन पॉलिसी की मिनिस्ट्री का काम है फॉरेन पॉलिसी बनाना, ये अनफॉर्चुनेटली इस पे डोमिनेट करते हैं आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, उन पे खास जाविया होता है, वो अपने व्यू पॉइंट्स देखते हैं, हर चीज को एक खास लेंस से देखते हैं, तो उस लेंस में शायद वो बहुत सारी चीजें इग्नोर करते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये उसका एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो रहा है, अब इसकी वजह से जी टेररिस्ट ग्रुप्स उस वक्त भी थे लेकिन अब ओवर द ईयर्स ऐसा हो गया है कि आपके जो आपको तंग करते हैं TTP वो वहां बैठा हुआ है, आपके जो ISIS वो खुरासन वाला वो वहां बैठा हुआ है, खुरासन के साथ तालिबान लड़ रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, वो खुरासन वाले ISIS वाले बोलते हैं कि ये काफिर हैं और ये इनका इस्लाम ठीक नहीं है, और तालिबान जो है वो TTP को बैक कर रहे हैं, आप उनको कहते हैं कि जनाब इनको हमें हमारे वाले करें, वो नहीं करते, उसके बाद वो आके चाइनीज परेशान है क्योंकि उनके उगर्स उनकी जो तुर्किस्तान वो फ्रीडम मूवमेंट के जो सारे मिलिटेंट्स हैं वो उधर बैठे हुए हैं, ठीक है तो उनको अलग परेशानी है, अभी पीछे इन्होंने रशियंस भी मारे थे एक टेररिस्ट इंसिडेंट में, तो रशियंस अलग परेशान है, ताजिक्स अलग परेशान है, ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं, ईरान अलग परेशान है क्योंकि उज्बेकिस्तान भी इन्वॉल्व है, उज्बेक्स भी हैं क्योंकि इसमें उज्बेक मिलिटेंट्स भी शामिल हैं, तो अफगानिस्तान इज लाइक एक खिचड़ी पकी हुई है और US का एक बड़ा रोल ऑलरेडी है वहां पे। US ने तो ये ISIS का जो सीरिया से उठा के सारे ISIS वालों को जब एग्जिट मिला था ना तो US हेलीकॉप्टर से मिला था और उन्होंने लाके उनको अफगानिस्तान में डंप किया था। तो अब मैं अगर ये समझूं कि इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स और बड़े पावरफुल प्लेयर्स हैं जो इस सिचुएशन से अफेक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जब ये बात कही जा रही थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस था उसमें पाकिस्तान ने काइंड ऑफ मीडिएटर का किरदार अदा किया, जिसको हमारा मीडिया भी क्लेम करता रहा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को उठाया। अब अगर वहां पे जो सिचुएशन खराब है,
इज इट लाइक कि इसके बाद चाइना, अमेरिका या दीगर ममालिक पाकिस्तान से भी नाराज हो सकते हैं या पाकिस्तान से भी तकाजा कर सकते हैं टू इंटरवीन एंड डाइल्यूट द सिचुएशन? आप पाकिस्तान से तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज दे नो पाकिस्तान की बड़ी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं डिस्पाइट पाकिस्तान क्लेमिंग अदरवाइज. उनको भी पता है हमारे इकोनॉमिक जो मुल्क जी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होता ना तो उसको बहुत सारे मसाइल होते हैं. दूसरा अमेरिका का देखें, ये जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं अभी आपने ये जो काबुल बॉम्बिंग की बात की है, होटल पे चाइनीज मारे गए हैं, फिर आप बलूचिस्तान में देख लें अक्रॉस बॉर्डर ये लोग आते हैं बीएलए के साथ मिलकर करते हैं, चाइनीज मारे जाते हैं, कभी कराची में मारे जाते हैं, अब ये फिर वाइब हो जाते हैं अफगानिस्तान के बाहर. अब इन लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, इंडिया इज इन ऑन इट, अमेरिका इज इन ऑन इट, इनका है कि सीपैक किसी तरह खड़ा ना हो, चाइना को हिट करो. उसके लिए पाकिस्तान बीच में जरूर हिट हो रहा है क्योंकि वो सीपैक गुजरता ही पूरा. दैट मींस कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है इन तमाम तर मुल्कों के साथ इंटरलिंक्ड है अफगानिस्तान की सिचुएशन से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. जी पाकिस्तान का तो बड़े अर्से से इंटरलिंक्ड है बिकॉज पाकिस्तान इज एट अ क्रॉस रोड्स और पाकिस्तान बेसिकली पैसा ही उस चीज का खा रहा था इतने सालों से, पिछले 30-40 सालों से, कि हम जिस जगह पर लोकेटेड है वो स्ट्रेटेजिकली इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए वो एक मेल्टिंग पॉट है. दैट मींस फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की ऑलरेडी एट स्टेक है. और इंटरनली अगर मैं बात करूं तो इंटरनली जब हमने देखा कि इस तरह की खबरें डेवलप हुई कि स्वात में एक बार फिर से मिलिटेंसी के वाकयात बढ़ रहे हैं, अक्रॉस पाकिस्तान इस बात का खदशा है कि ओवर द ईयर अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, इसको यहां ना रोका गया तो फिर से पाकिस्तान में उस तरह की दहशतगर्दी देखी जा सकती है, तो हम एक्चुअली किस सिचुएशन पे खड़े हैं और ये हम कहां किस नहज पे आते नजर आ रहे हैं? अच्छा, इसको मैं दो पार्ट में आंसर कर देता हूं. पहले तो एक्टिविटीज आज ही अभी हिना खर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले पिछले 3 साल का डेटा शेयर किया है कि देयर हैव बीन 1230 टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान विद इन द लास्ट 3 इयर्स. अब ये मोहतरमा ने पूरी चार्ज शीट आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी जिसका भी नाम डालने हैं बीच में और जिनका ज्यादा जिम्मा बनता है ये उनका फेलियर है. अगर 1230 इंसिडेंट्स हुए हैं और चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर हो, या पाकिस्तानी इंटरेस्ट को हिट किया गया, या सिविलियंस मारे गए, या चाइनीज यहां मारे गए, 1230 इज अ बिग नंबर. एंड सॉरी टू कट यू राइट नाउ, क्योंकि ये 1230 इंसिडेंट जो आपने तस्करा भी किया है ना, करने भी जो तस्करा किया, इस 3 साल के पीरियड को एज पाकिस्तानी एक मेजॉरिटी इस बात को समझती है कि शायद टेररिज्म एक्टिविटी के लिहाज से पाकिस्तान में ये 3 साल काफी बेहतर रहे, पीसफुल रहे, इसके बावजूद अगर 1230 का नंबर है तो फिर तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है. ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और आपको 3 साल से पब्लिक को इसलिए नहीं पता क्योंकि 3 साल से आपके जिन लोगों का काम था इसको रोकना वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे आपकी लोकल इंटरनल पॉलिटिक्स में कि किसने रहना है पावर में, किसको लाना है, किसको नहीं. तो सारी पिछले 3 साल का अपना मीडिया का डेटा उठा के देख लें कि मीडिया की सुर्खियां और मीडिया पर डोमिनेट कौन सी न्यूज़, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ठीक कि कोई काम की बात नहीं होती थी, या जलसे दिखाए जा रहे हैं या मतलब प्रोटेस्ट, यानी एक अजीब एक जो तमाशा लगा हुआ था इस मुल्क में और आज तक लगा हुआ है. तो मामू साहब मेरे पास आखिरी वक्त भी महदूद है, इसका कुछ सॉल्यूशन आपको इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है? बिकॉज नाउ देर आर हाई एक्सपेक्टेशंस, वी हैव अ न्यू मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ टाइम इलेक्शंस भी हो सकते हैं, उसके बाद हम एक फ्रेश मैंडेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी या हमारे यहाँ जब तक ये तब्दीलियां होंगी और सेटल डाउन होंगे मामला तब तक ये सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती जाएगी? क्योंकि ये जो स्वात में मिलिटेंसी है, वी कैन नॉट फॉरगेट के जो पेशावर के हमारे बच्चों का जो खून जो शहीद हुए और अक्रॉस पाकिस्तान जो शहादतें हुई, जो हमारी सिविलियंस की हैं, जो आर्म फोर्सेज की शहादतें हैं, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता. एंड अगर आज ये सिचुएशन उस तरीके से एस्केलेट हो जाती है तो क्या फिर हमें एक बड़ा ऑपरेशन या बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी? जी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग वो पॉइंट उठाया, मैं लास्ट अभी स्वात का आंसर करने ही लगा था तो आपने काउंटर क्वेश्चन किया. अच्छा मैं स्वात का ऐड करता चलूं, ये स्वात में आपको जो ये पीटीआई वाली गवर्नमेंट भी बोल रही है और ये जो भत्ते मांग रहे हैं और ये सारे तालिबान के अंदर पीपल आर यू नो रोमिंग अबाउट जी, ये दोबारा से आगे रिसर्च किए हैं वो इस वजह से किए हैं क्योंकि एक पीस डील हुई थी, पीस डील आपकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने की थी, उसका किसी गवर्नमेंट से इमरान खान की कोई ताल्लुक नहीं था और उस वक्त इनके जो एपीएस के स्कूल के वो थे पेरेंट्स, उन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि आप कैसे उन लोगों को माफ कर सकते हैं, कैसे उनके साथ वादा कर सकते हैं एक
कैन यू हेयर मी? जी 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 आई कैन हेयर यू. अच्छा, दूसरा इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, इस वक्त आपकी जो हिना खर गई है, जो आपकी फॉर्म ऑफिस की स्टेटमेंट बोल रही है, वो ये बोल रही है कि ट्रेड ट्रांजिट ट्रांजिट राउट्स और इधर उधर की बातें, वो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि सारे नेबर्स को इकट्ठा करे, रशिया चाइना एंड ऑल दीज नेबरिंग कंट्रीज, और इनको बोले बिकॉज बट अगेन सॉरी मामूर साहब, ये इकट्ठा कौन करेगा, सिविलियन लीडरशिप या आपकी मिलिट्री लीडरशिप? इसको सिविलियंस को करना पड़ेगा जी. बट सिविलियन लीडरशिप कैसे इकट्ठा कर सकती है जब ये समझा जाए कि इस सिविलियन लीडरशिप का जो टेन्योर है शायद 2 या 3 या 4 माह का रह गया, तो ऐसे माहौल में आपको सिविलियन लीडरशिप की बात को एंडोर्समेंट नहीं मिल सकती ना? ये बात भी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है. ये बड़ा पाकिस्तान का आलमी है कि यहाँ पे ये जो तमाशे होते हैं, गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं और पीछे पावर में होता कोई और है. जो भी इस वक्त मुल्क करते धरते हैं, चले लेट मी पुट दिस वे, जो आपके पावर कॉरिडोर्स में है, दोज हु आर रनिंग द अफेयर्स, उनको चाहिए इन तमाम मुल्कों को करें. और अफगानिस्तान को आप बम्बार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप एटलीस्ट उनको इकोनॉमिकली चोक कर सकते हैं. आपको चाहिए बजाय ट्रेड राउट्स और ट्रांजिट राउट्स की बात करने की, आपको चाहिए कि आप अपने बॉर्डर्स को सील कर दें. आप देखें, यू डोंट स्मोक देम आउट, यू स्टॉप देम आउट. हाँ, ये मुश्किल होगा उसकी पब्लिक के लिए, लेकिन वो इनको डर है कि जी अगर हमारे से वो निकल गया तो ये सारी उज्बेकिस्तान या किसी और के तरीके से वहां से ट्रेड आना शुरू हो जाएगी और वहां रेवेन्यू चला जाएगा. इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसका एक ही तरीका होता है. ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह अमरीका ने नेटो को और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड को एलायंस ऑन बोर्ड लेके यूएन को जब इस पे मुल्ला उमर ने उसामा को यहाँ रखा होता अफगानिस्तान में और उसको कहा था कि इसको हमारे हवाले करो, उन्होंने नहीं किया था. तो जब पूरे उन्होंने तय कर लिया था कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे, तो वो उसके बाद फिर वो उसामा भी वहां से भागा था, उसको कहा था चलो यार निकल जाओ चुप करके, और मुल्ला उमर भी भागा था बाइक पे यामाहा पे. अब इशू ये है कि पाकिस्तान को और इसके नेबर्स को जो कि इमीडिएटली थ्रेट है, तो इन सबको मिलना चाहिए और इन सबको मिलकर कुछ कॉमन एजेंडा तय करना चाहिए कि इनको अफगानिस्तान को डील कैसे करना है, और इसके अंदर से जो टेररिज्म हो रही है और इनको गवर्नमेंट को, इनकी जो तालिबान है उनको लाइन पे कैसे लाना है, क्योंकि इस वक्त तालिबान और नॉट प्लेइंग बॉल, दे आर प्लेइंग, दे सीम टू बी प्लेइंग बॉल विद ऑल द गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना, और सबसे पैसे भी मांग रहे हैं, सबसे इन्वेस्टमेंट्स भी मांग रहे हैं, कुछ मिल भी रहे हैं, लेकिन सबके रिसीविंग एंड पे सबसे ज्यादा जो मेजर हिट हो रहा है पाकिस्तान हो रहा है जी. पाकिस्तान के साथ तो हमारे तो इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है ना जी. पाकिस्तान का तो क्योंकि ये पाकिस्तान का इसलिए भी ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि ये ऐसा गड़ा है जिसको खोदने में हमने हाथों हाथ भी दिए थे और बेलचे भी प्रोवाइड किए थे. बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया मामूर साहब, आपने टाइम दिया. और यकीन तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन है, इलाकाई सिचुएशन है, ज्योग्राफिकली एतबार से जो कि इस वक्त पाकिस्तान जिन महाज पे मुश्किलात में नजर आ रहा है, एक तो माशी मुश्किलात अपनी जगह पे और साथ में जब आपकी बॉर्डर के जो मामलात हैं वो कशीदा हो जाएं, तो फिर आपके लिए जो मुश्किल है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है. एडिंग टू दिस, जब आपकी बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन होती हुई आपके मामलात, आपके अंदरूनी मामलात में खराबी पैदा हो जाए, यानी कि आपके मुल्क में वो दहशतगर्दी जो आपकी अपनी नहीं है, जो आपके मुल्क में इम्पोर्ट की जा रही है या आपके मुल्क को एक्सपोर्ट की जा रही है, वो तमाम तर जो दहशतगर्दी है वो उससे जो आपकी आम आवाम परेशान होती है उसका खमियाजा आखिर कौन भुगतेगा. हमने देखा कि एक सीरीज रही है पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट की, अटैक्स की, और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेशनल गेम्स, इंटरनेशनल क्रिकेट वो भी उस तरीके से नहीं आ सकी. अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या एक बार फिर से हम उस कुर्बानियों वही कुर्बानियां देना चाहेंगे, वही हजारों लाखों शहादतें, वही कुछ एक बार वो जो चेन हमने देखी थी क्या वही रिपीट होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होगा. और जो पीस प्रोसेस की बात हो रही थी आज से कुछ 10 सालों में, टूरिज्म की बात हो रही थी, क्या ये जो ख्वाब हमने देखे और इसके ऊपर अब कुछ काम होने लगा, कुछ उम्मीद आने लगी, क्या ये होता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे. और स्पोर्ट्स के मैदान में क्या हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे. प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर. देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन.